ये ऑडियो स्प्लिटर है जो कि ऑडियो इनपुट लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों ही सेम है। इसमें आपको दो इनपुट लाइन मिलता है और 6 आउटपुट लाइन मिलता है। एक इनपुट के लिए आपको 3 आउटपुट मिलेगा। इस वाले ऑडियो स्प्लिटर को आप घर में यूज़ कर सकते हैं, पर प्रोफेशनली आप इसकी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ने पर इसका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ओपैम्प से 6 आउटपुट निकाला जा रहा है। पर प्रोफेशनली जो ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें हर एक चैनल के लिए आपको अलग अलग ओपैम्प मिलता है। और बहुत पहले मैंने एक ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था जो कि 8 चैनल का ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसको कि आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको हर एक चैनल के लिए अलग अलग ओपैम्प मिल जाता है, जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ये वाला ऑडियो स्प्लिटर बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे घर में यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आप इस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर को घर पर बहुत ही आसानी के साथ किस तरीके से बना सकते हो। दो पिच रेजिस्टेंस है 1K क्वार्टर वाट में। इस बोर्ड में सारे रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में ही है। चार पिच रेजिस्टेंस लगेंगे 100K, चार पिच रेजिस्टेंस है 12K और 6 पिच रेजिस्टेंस है 10K और 8 पिच कैपेसिटर है 47 PF और 5 पिच नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है 1 UF। एक पीस कैपेसिटर है 100 UA 25 वोल्ट में। 3 पीस 2 पिन XHB सॉकेट है 2.5 mm का और 2 पीस 4 पिन XHB सॉकेट है 2.54 mm का। एक पीस ओपैम एनी 5532 TL072 या फिर 4558 लगा सकते हैं। अभी ऑडियो स्प्लिटर बनकर तैयार हो चुका है। इसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर TDA8932IC का एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ और ये ब्लूटूथ प्री एम्पलीफायर है, जिससे कि मैं इस ऑडियो स्प्लिटर में ऑडियो इनपुट करूँगा। और अभी मैंने इस ऑडियो स्पीटर में एक ही चैनल का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है, पर टेस्टिंग करते समय मैं आपको दो चैनल का टेस्टिंग दिखा दूंगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।